दौरान रुक रुक कर फायरिंग जारी है। बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सली के मारे जाने की खबर है और साथ ही आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। रायपुर में नक्सल समस्या पर विजय शर्मा का बयान आया। नक्सलियों की पुनर्वास नीति अपग्रेड की जाएगी, उन्होंने कहा। पुनर्वास नीति को और अच्छा करने का प्रयास होगा। युवाओं को नक्सली बनने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ाने की कोशिश है। नक्सली क्षेत्र में शांति बहाल करने का पूरा जोर रहेगा। ये विजय शर्मा का अहम बयान है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशन का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है। सड़क पर इश्क लड़ाने की खुमारी अब आम बात सी हो गई है। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान के कोटा से सामने आया, जहां एक कपल बाइक पर रोमांस करता नजर आ रहा है। खुलेआम सड़क पर रोमांस करने के इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कपल की तलाश में जुट गई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए कैसे ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कपल का ये रोमांस बीच सड़क पर बाइक पर। वायरल वीडियो की जो जांच है वो अब चल रही है कि आखिर ये कपल कौन है जिन्हें बीच सड़क पर बाइक पर रोमांस करने की खुमारी चढ़ी है। और कोटा का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोटा की सड़कों पर आप देखिए कानून प्रशासन दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन्हें कानून और प्रशासन से, बल्कि इन्हें अपने शौक पूरे करने हैं। और शौक के चक्कर में ही बीच सड़क पर आप देखिए किस तरीके से बाइक पर ही रोमांस करने का जो ये वीडियो है वो सामने आया। चलती बाइक पर लड़का लड़की के रोमांस का ये वीडियो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अपने आप में ये सवाल भी खड़े करता है कि आखिर क्या खुद की जान की कोई कीमत नहीं है या खुद की जान की कोई परवाह नहीं है। इस तरीके से नियमों की धज्जियाँ उड़ाते बीच सड़क पर बाइक पर रोमांस करते नजर आए। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड की वो साजिश जिसका शिकार हुआ MBBS डॉक्टर। ऑनलाइन किडनैपर्स ने डॉक्टर को बंधक बना लिया, 24 घंटे उनके घर में जासूस बनकर रहे और लगा दिया 3 लाख का चूना। होशियार, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। डॉक्टर के घर ऑनलाइन डाका, आप अपने ही घर में बन न जाए बंधक। शिकार की हर हरकत पर रखे नजर, गिरफ्तारी का डर गिरोह का हथियार। अजनबी किडनैपर, शिकार के घर में वो दिखाई नहीं देते लेकिन बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक या यूं कहें
घर के हर कोनों पर उनकी नजर रहती है। इनका शिकार अपने ही घर में बंधक बन जाता है, यानी कोई किडनैपर घर पर नहीं आएगा, फिर भी शिकार खुद ब खुद किडनैपर के आगे सरेंडर कर देगा। नए जमाने का ये साइबर फ्रॉड है जिसका शिकार इस बार हुए इंदौर के MBBS डॉक्टर। क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है जिसमें जो पीड़ित है उसके द्वारा ये बताया गया, वो पेशे से डॉक्टर है और अभी जो कि MD कर रहा, मास्टर्स कर रहा है, उसके पास संडे को कॉल आया था कि उसका एक जो कुरियर है, कुरियर जो पकड़ा गया है और कुरियर में कुछ ऐसे अवैध उसमें चीजें हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटेड कॉल था। फरियादी पेशे से डॉक्टर है जिनके पास एक कॉल आया। इस कॉल पर ये डर दिखाया गया कि मुंबई से थाईलैंड आपने कुरियर भेजा है जिसमें ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट मिला है। गिरफ्तारी का डर दिखाया गया, पुलिस केस में फंसाने की धमकी। सबसे हैरानी की बात, खुद को इस ग्रोह ने मुंबई साइबर क्राइम से होना बताया, फिर दो बातें कही, या तो मुंबई आ जाओ या फिर ग्रोह की निगरानी में रहो, यानी डिजिटल अरेस्ट, घर में बंधक बने रहना। किसी को बताने पर डर दिखाया गया कि महज 3 मिनट में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। ऑटोमेटेड कॉल के बाद फिर उनके द्वारा बताया गया, मुझे एक्सटेंशन में लिया गया, साइबर क्राइम में लिया गया, फिर CBI में लिया गया, फिर मुझसे मुंबई आने के लिए बोला गया तो मैंने मना कर दिया, मैं मुंबई नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। स्काइप ID में वीडियो कॉल किया गया और इसको 24 घंटे इसको बंधक बना के रखा, डिजिटल अरेस्ट रखा, डिजिटल हाउस अरेस्ट इसका किया गया। ये भी कहा गया कि कई जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। दहशत ऐसी थी कि फरियादी डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते ही देखते 3 लाख का चूना लग गया। 24 घंटे तक शिकार डॉक्टर गैंग की निगरानी में रहे। जब फरियादी ने गिरोह को अपनी शक्ल दिखाने को कहा तब ये राज खुला, ये तो फ्रॉड का मामला है। और 24 घंटे इसको इन्फ्लुएंस किया जाकर, वर्दी में भी एक फोटो इनको दिखाया गया कि हम CBI से बोल रहे हैं, अलग अलग एजेंसी का नाम लेकर उससे 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। फिलहाल इस केस को क्राइम ब्रांच में रजिस्टर्ड कर लिया गया है इसे और कंप्लेंट को, और इसमें किन किन अकाउंट्स में पैसा गया है, स्काइप ID जो यूज की गई है, इन सारी जो टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर जांच की जा रही है। ऐसे अनजान नंबर से जब कॉल आए, कोई पुलिस वालों की फर्जी DP लगाकर धमकाए तो आपको डरना नहीं है, बस सतर्क रहना है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।